नमस्कार मित्रों, मैं मयंक सिंह काशी मंथन परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज एक माह हो गया विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। अंग्रेजी में कहा जाए तो डांस ऑफ डेमोक्रेसी। 90 करोड़ वोटर, बड़े बड़े देशों की जनसंख्या इतनी नहीं होती है जितने हमारे पास वोटर हैं। चारों ओर हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। चार फेज हो चुके हैं चुनाव के, पर इसी में कहीं एक छोटी सी एक विषय जो हम लोगों के सामने आया जिसपे हमें लगा कि इस पर एक त्वरित आपसे चर्चा कर ली जाए। वह विषय है खास करके शहरी क्षेत्रों में जितना मतदान अपेक्षित है उतना मतदान नहीं हो रहा है। बेंगलुरु और मुंबई का प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो ऐसा क्या कारण है कि मतदान नहीं होता है? क्या भारतीय जनमानस, भारतीय मतदाता अपने इस व्यवस्था से, अपने इस सिस्टम से इतना उदासीन हो चुका है कि उसे वोट करना भी अब भारी पड़ता है? पर मैं आपसे कहूं, डेमोक्रेसी को कहा जाता है डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। और इसका लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा शब्द है कि लोकतंत्र में जो सबसे भारी शब्द है उस पर ध्यान दीजिएगा, वो है लोक, पीपल। जब तक लोग निकल करके वोट देने नहीं आएंगे, अपना मत देने नहीं आएंगे, तब तक ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र कहीं ना कहीं एक कमी सी आपको एक 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 एहसास दिलाता रहेगा कि कहीं कोई कमी छूट गई। और जब ये कमी छूटती है मित्रों, तो ये कमी अगले 5 साल नहीं, ये आपके भविष्य की कमी होती है। तो बाहर निकलना, वोट डालना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप बाहर निकलते हैं, वोट डालते हैं, जब लोग अपना मत देते हैं तो वो राज्य, वो समाज, वो राष्ट्र सशक्त होता है। और जब आप वोट देने जाते हैं तो ये सोच करके मत जाइए कि आप कौन हैं और क्या करने आए हैं। वोट देते समय हमेशा हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वोट देते समय अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखिए, अपनी उस भावना को सर्वोपरि रखिए कि अपना भविष्य आप कैसा चाहते हैं। ये अपील, मेरी अपील युवा मतदाताओं की ओर है कि आप अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। क्या आप अपना भविष्य वैसा चाहते हैं कि 3 दिन की छुट्टी अगर आप मिली तो आप वोट न देकर के छुट्टी लेके कहीं चले गए और आपने कहा कि भाई छुट्टी नहीं मिलती, हम चले गए वोट देने, क्लासेस सस्पेंडेड थे, कहीं कोई कारण था? आप, अपना भविष्य आपके हाथ में है। लोकतंत्र आपको वो मौका देता है। महात्मा गांधी कहते थे, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी। जो बदलाव आप लाना चाहते हैं वो बदलाव बन के दिखाइए, और वो बदलाव एक डेमोक्रेसी में, ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि डेमोक्रेसी सबको समान अवसर देता है, और वो अवसर आपका उंगली पे ये निशान, ये वोट देता है। तो जब तक आप सहभागिता नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तब तक ये राष्ट्र निर्माण कैसा होगा? अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग होंगे इस शो पे फर्स्ट टाइम वोटर से, अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो ये सोचिए, वोट देते समय सोचिए कि आपके वोट देने से देश कैसे ताकतवर हो रहा है। वो देश ताकत होगा तो देश आपको ताकत, एक ताकत प्रदान करेगा। आपको नौकरियां मिलती हैं, आपको रोजगार मिलता है, आपको स्वास्थ्य मिलता है, आपको सुरक्षा मिलती है। अगर आप अपनी चाहत की सरकार, एक ऐसी सरकार चुनते हैं, मत आपका है, बिल्कुल आप जैसे चाहें, लेकिन ये देश को जब पहले रखेंगे तो आप मत सही देंगे और मत देने के लिए निकलेंगे। इसलिए कभी मत हिचकिए, अपना मत देने जरूर निकलिए, ये आपका अधिकार है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि काशी मंथन के खास करके जो हमारी ऑडियंस है वो युवा ऑडियंस है, तो इस युवा ऑडियंस से मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि क्यों ना ऐसा किया जाए, जब आप वोट देने निकलें, अपने बूथ पे जा रहे हों, तो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस बूथ तक पहुँचाइए। कोई हो सकता है अशक्त हो वोट वहाँ पहुँचने में, कोई बीमार हो सकता है, कोई उदासीन हो सकता है, तो सबसे बड़ी बीमार और अशक्त को ले जाना मित्रों आसान है, उदासीन को वोटिंग बूथ तक ले जाना सबसे कठिन है। और आप युवा हैं, अगर आप ये संकल्प शक्ति ले लें कि वोटिंग हमारे क्षेत्र में जितनी वोटिंग बची हुई है, जहां जहां अगले 3 फेज में, वो मैक्सिमम वोटिंग होनी चाहिए, वो रिकॉर्ड वोटिंग होनी चाहिए, जिससे आप गर्व से कह सकें कि हमारे क्षेत्र में, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो इस देश में, हमारे क्षेत्र ने रिकॉर्ड मतदान किया। तो इस जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उस उदासीन वोटर को जगाइए, उस उदासीन वोटर को कहिए कि भैया अगर राष्ट्र बनाना है, अगर राष्ट्र को अच्छा बनाना है, अगर आप वोट देते हैं तो जानते हैं आपकी बहुत सारी समस्याएं उस वोट के जरिए हल हो जाती हैं। आपको हर समस्या के लिए, क्योंकि मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लोगों के पास बड़ी समस्याएं हैं, बड़े समाधान भी हैं, बड़ी उलझने हैं, बड़ा क्रोध है,
लेकिन उस क्रोध से आप कुछ बदल नहीं पा रहे हैं। बदलेंगे कैसे? बदलेंगे उस मत से जो आपको सम्मान दिलाता है। और जिस दिन आप अपना मत देंगे और आपकी उंगली पे वो नीली स्याही लगेगी, वो याद करिएगा, वो देश के प्रति आपका योगदान है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। तो निकलिए मित्रों, निकलिए, वोट डालिए, देश का सम्मान, अपना सम्मान और अपने देश को सुदृढ़ बनाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है और माँ भारती के लिए आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा निकल करके वोट डालें। धन्यवाद। जय हिंद।